हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल इंडिया। फिर से अपना प्लान आ चुका है। मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे इरेंगल रैंक स्क्वाड के अंदर। सो देखते हैं आज का गेम अपना कैसा जाने वाला है। एक बार मैप चेक कर लेते हैं अपने को कहाँ पे चलना है। तो मैं पोचिंगी पे जाने वाला हूँ। पोचिंगी मुझे अच्छी जगह लग रही है। सो पोचिंगी के ऊपर मैं कूद चुका हूँ। होप करता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे जिसकी वजह से अपने को अच्छे खासे किल्स वगैरह भी मिल पाए। और देखो मैं हॉट प्लेसेस पे ही कूदता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी जगह कूदना नहीं पसंद है जहाँ पे मैं कूद तो जाऊँ और फिर कैंप वगैरह करूँ और मुझे एक भी बंदा ना मिले। मुझे चाहिए भाई किल। किल मिलते हैं तो फिर मज़ा भी आता है गेम खेलने में। सो ये वाले घर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। शायद यहाँ पे अपने को कोई गन मिल जाए। थॉमसन देखो है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गन है। ऑटो गन है। खैर मेन मुद्दा क्या है कि ऑटो गन है। अगर ये बस्ट वाली गन होती है, सिंगल वाली ना, तो मज़ा नहीं आता उतना। अब अगर एकदम से मेरे सामने कोई बंदा आ जाता है तो मैं उसको इजिली मार दूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑटो गन है। मैं यहाँ पे और भी थोड़ी लूट वगैरह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है सामने बंदे भी हैं क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे शूटिंग का भी साउंड आ रहा था, बट नहीं यार कोई दिख तो नहीं रहा है मुझे। सो यहाँ पे मैंने लूट लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला थॉमसन के अलावा। और थॉमसन ही फिर से लेके मैं क्या करता भाई। आसपास में मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। थॉमसन है मेरे पास, बंदा है वहाँ पे शायद। एक एक पेटी तो पड़ी और मेरा 3 नंबर मरा है वहाँ पे। 3 नंबर नॉक है, 3 नंबर ही है ना ये। हाँ और डेड हो चुका है, इसी घर के अंदर मरा है शायद वो। यहाँ कहीं पे ज़रूर से बंदा होगा आपका भाई। पीछे भी चेक कर रहा है आसपास में, कहीं खिड़की उड़की से ना मार दे। बंदा बुरा ख़त्म। ऑलराइट, फर्स्ट किल आपका भाई का निकल चुका है। अब बारी है सेकेंड वाले किल की। इस घर के अंदर एक बंदा है, मैंने उसको देख लिया है। 2 किल्स भाई इस घर के अंदर। मैं एक और है वहाँ पे, मैंने फाइट करने का सोचा था बट वो बंदा यहाँ से चला गया। तो चलो इसका काम तो तमाम। एक घर में बंदा आ चुका है अपने। ऑल राइट, 3 किल्स। तो देखो यार मेरा पोचिंग की नाम है क्या है, पोचिंग की है ना भाई। पोचिंग की पे कूदने का मेरा डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सही था। तो यहाँ पे तो मुझे और भी बंदे नहीं दिखते। मैं इस वाले घर के अंदर से चेक कर रहा था शायद आसपास में और भी बंदे, क्योंकि सामने की तरफ मुझे 4 बंदे दिख रहे थे जिसमें से एक ही किल में ले पाया था यार। वैसे मुझे थोड़ा सा एक बंदे ने स्मोक फेंका, मतलब वो मेरे ऊपर रस मारेगा, उसने मुझे देख लिया है। शायद वही सामने वाला बंदा होगा और वो मरा नहीं होगा नीचे। बट यार मैंने नीचे यार 4 में से 1 ही किल को मैं कर पाया, वो थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा है। 4 बंदे थे यार बट उसमें से मैं एक ही को मार पाया सिर्फ। अब यार मुझे वैसे साउंड तो आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है बंदों का। आसपास में मुझे कोई बंदा दिख तो नहीं रहा है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। 2 बंदे भाई, देखो 2 बंदे साउंड भाई फुट्स आ रहे हैं यहाँ पे 2 बंदों के। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं यहाँ पे छुप जाऊँ बगल में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो 2 बंदे एक साथ रस मारेंगे तो उनको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे छुप के वेट करूँगा। बगल से भी कोई मार रहा है भाई, तेरे को भी अभी आना था भाई। मैंने बंदे को देख लिया था ना, अब ज़्यादा अगर वेट करता ना तो वो मेरे ऊपर रस मार देता। मैंने उसके ऊपर मार दिया। एक और बंदा है। 2 किल्स मेरे यहीं पे हो चुके हैं, बट एक और बंदा था यहाँ कहीं पे। मैं यहाँ पे सोच रहा भाई नीचे से आ गया एकदम से। मैं सोच रहा था बाहर देखता हूँ भाई, बाहर से मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। एक मैं सोच रहा हूँ मेडी लगा लेता हूँ क्योंकि अगर एक भी बंद एक और बंदा है भाई अपने घर में। फुट्स आ रहे हैं। हाँ कितना पागल बंदा है भाई, लूट कर रहा है। उसको देखना चाहिए ना कि यहाँ पे अभी अभी फाइट हुई है, कोई बंदा यहाँ पे कैंप करके रखा हो सकता है। बट वो आया सीधा और उसने लूट करना स्टार्ट कर दिया और वो किल अपने को और मिल गया। अभी अपने टोटल 7 किल्स हो चुके हैं। सो देखो पोचिंग की पे कूदने का मेरा प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, अच्छे खासे मुझे किल वगैरह मिल चुके हैं। अब मैं हॉट प्लेसेस पे इसीलिए कूदता हूँ कि यार देखो अच्छे खासे किल मिल जाएंगे ना तो अपनी प्लस भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और किल करके मज़ा आता है भाई। छुप छुप के भाग भाग के खेलने मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अब विनर विनर चिकन डिनर होगा या नहीं होगा वो तो एक देखने वाली बात होगी। देखो चिकन डिनर करना है ना तो आपको कैंप ज्यादा करना पड़ता है, छुप छुप के खेलना पड़ता है, क्योंकि ओपन में खेलोगे तो इजीली टारगेट बन सकते हो किसी बंदे के। और पबजी का एक बेसिक रूल जो कि मैंने अभी तक सीखा इतने दिनों के अंदर कि भाई हमको हमेशा यहाँ पे कवर करके खेलना चाहिए, ओपन में कभी भी नहीं जाना चाहिए। लाइक अगर देखो फ्री फायर को आप देखोगे ना तो उसके अंदर ग्लू वॉल होती है। अगर आप ओपन में आपको कोई मारेगा तो आप ग्लू लगा के बच सकते हो, बट पबजी के अंदर ग्लू का कोई सीन है नहीं। अगर ओपन में हो आप और आपको कोई मार रहा है तो आपका मरना 100% तय है अगर उस बंदे का एम अच्छे से बैठ जाता है आपके ऊपर। तो इसलिए भाई कवर टू कवर खेलो। अगर कहीं जाना है तो व्हीकल का यूज करो, कार या बाइक का। बाकी अपने घर के अंदर बैठे रहो, कैंप करके रखो बढ़िया तरीके से। मैंने यहाँ पे डीपी और यूएमपी को उठा लिया क्योंकि ये दोनों गन मुझे काफी ज्यादा सही लगती है। यूएमपी आज ज्यादा हिलती नहीं है, अगर इसके अंदर साइलेंसर वगैरह लग जाए ना तो और ज्यादा मक्खन चलती है बिल्कुल। आसपास में मैं सोच रहा हूँ कि और भी बंदे हो तो अपने को एक आध किल और मिल जाएगा क्योंकि जोन तो इधर ही से जाने वाला है, मतलब सामने की तरफ से हो सकता है कोई ना कोई बंदा जरूर से आए। क्योंकि यार देखो जोन ना, मैं अभी जोन के अंदर हूँ नहीं, जोन मेरे से थोड़ा सा आगे है। एक बंदा आ रहा है, मैंने देख लिया उसको, हेड लगाया उसको, हेड लगाया मतलब वो बंदा डैमेज होगा। मैं सीधा रस मार रहा हूँ, नीचे ही होगा वो। वैसे वो मेरे ऊपर रस ना मारे, बस वो मेडी मार रहा होगा। खत्म।
चलो ठीक है डन भाई, 8 किल आपके भाई के हो चुके हैं यहाँ पे। मैं उसको लूटूंगा, लूटने में जाऊंगा उसको, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। पता चल रहा है उसका कोई और टीममेट वगैरह आ जाए तो उसने मुझे मार दिया, इसलिए भाई मैं अपनी गन्स वगैरह को रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड मैंने कर लिया है, अब मैं उसको लूटने तो जाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, आसपास में चेक कर रहा हूँ कि कहीं और तो कोई उसका टीममेट नहीं है जो कि उसको कवर देने आ जाए या फिर उसका बदला मुझसे लेने आ जाए। वैसे बदला लेने आएगा तो उसको मैं ही मार देने वाला हूँ, उसका बदला पूरा नहीं हो पाएगा। बट फिर भी भाई थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि पता चल रहा है कोई बंदा आ जाए एकदम से। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना होकर नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मैंने अभी इस बंदे को भी नहीं लूटा है, देखो जिसको मैंने नीचे मारा था ना इसको भी मैंने अभी तक नहीं लूटा है। 6x मुझे मिल चुका है इसके पास से, और 6x काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मुझे आगे चल के काम आएगा 6x। मैं सामने वाले बंदे की भी पेटी को लूटने वाला हूँ, बट यहाँ पे जोन भी आने वाला है, देखो 1:30 यहाँ पे दिखा रहा है, तो काफ़ी जल्दी जोन आने वाला है, इसको मैं लूट लेता हूँ। अब देखो इसको लूटने के बाद जस्ट मैं आ जाता हूँ मेन जोन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जोन छोटा हो चुका था, वहाँ से सीधा मैं भागते हुए आया हूँ। बीच में मुझे कोई भी बंदा नहीं मिला है, तो दिखाने लायक बीच में कुछ भी नहीं था। मैं सीधा यहाँ पे जोन के अंदर ही भाग रहा था पैदल पैदल, गाड़ी भी नहीं मुझे मिली थी, एक तो अच्छी बात है मुझे किसी बंदे ने देखा नहीं था। अब बारी यहाँ पे फाइनल वाले गेम की, 3 बंदे बचे हैं मेरे अलावा, नहीं मतलब मेरे अलावा 2 बंदे बचे हैं, मुझे लेके 3 बंदे बचे हैं। मुझे ऊपर एक बंदा दिखा है, कहाँ गया भाई, वो यहीं कहीं पे मुझे दिखा था, अभी भाग रहा था वो जोन के अंदर। ओके बगल में बोरा 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 दिख गया आपको, राइट में देखो, राइट में अगर आप वीडियो को स्लो करके देखोगे या फिर पीछे करके तो आपको दिख जाएगा वो राइट में है। मैं मारूंगा उसको, रुको थोड़ा सा, उसको खड़े होने दो एक जगह पे, या फिर चलने दो, मैं लगाऊं स्कोप उसके ऊपर। मैं सोच रहा हूँ उसके पास कोई स्नाइपर ना हो कि वो हेडशॉट मार दे मुझे, क्योंकि प्लेयर्स यार काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होते हैं इसके अंदर। तो ठीक है वो खड़ा है बोरा, आने दो उसको, दिख गया। क्यों सही लगा है भाई इसको, अपना थोड़ा भी नहीं हिला है, बहुत ज़्यादा इजली मरा है। लाइक यार आप बोल सकते हो स्नाइपर से बंदा जैसे मारता है वैसे मैंने अपनी डीपी से मार दिया। ये डीपी अच्छी चलती है लॉन्ग रेंज के अंदर। अब एक बंदा मुझे लग रहा है कि उस वाले फाइनल घर के अंदर बचा है, और वो निकलेगा जोन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है थोड़ी सी देर में, थोड़ा सा वेट कर लेते जैसे ही जोन स्टार्ट। वैसे जोन स्टार्ट हो चुका है, वो निकलेगा उस वाले घर के अंदर से। आसपास में तो नहीं है भाई, वैसे मुझे लग रहा है कि उसी घर के अंदर होगा क्योंकि वही एक फाइनल कवर बची है, पर आसपास में भी चेक कर लेते हैं, पता चल रहा है आसपास में बंदा तो गलत सीन हो जाएगा अपने साथ। है तो देखो उसी में, वरना वो मुझे मार देता और कहीं पे होता आसपास में। बोरा दिख गया मुझे डन भाई, बादाम सिंह नाम था उसका शायद, हाँ बादाम सिंह ही नाम था उसका। तो नाइस जॉब लिखा रहा है अपने फ्रेंड, अपने को नाइस जॉब लिखा है। विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है स्क्वाड के अंदर, काफ़ी ज़्यादा सही गेम गया यार। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं चिकन डिनर निकाल लूँगा, बट मैंने निकाल लिया। 48 की मेरी यहाँ पे प्लस हुई थी, और डोमिनेटेड क्वार्टर एलिमिनेशन ठीक है, और डोमिनेटेड तो हर बार लिखा आता है। MVP आपका भाई है 10 किल्स के साथ, गेम काफ़ी ज़्यादा सही गया है। चलो फिर यहाँ से सीधा चलते हैं लॉबी के अंदर। 36 मेरी यहाँ पे लेवल हो चुकी है इस वाले गेम के साथ। हाँ यार देखो मुझे जोन में काफ़ी ज़्यादा भागना पड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ा, बट आखिर आपके मैंने भूया कर लिया। ये कुछ था वीडियो, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, मज़ा आता है वीडियो कर देना लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब, सटर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो।